जहां कोरोना को लेकर देश ही नहीं पूरा विश्व परेशान है, वैसे में जो सिवान के समाज सेवी हैं, जो सिवान के पुलिस बल हैं या सिवान के जो पत्रकार हैं, वो भी अपना कदम पीछे नहीं हटा रहे। लगातार लोगों के बीच जो ज़रूरतमंद है उनके पास राशन से लेकर हर जरूरत की जो चीज़ें हैं उसको पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अभी बता दें, कुछ ही देर पहले सिवान के सिसवन ढाला के पास जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके पास खाने का पैकेट पहुंचाया गया। उसके बाद से सिवान जंक्शन पे जो गरीब लोग हैं, जो एक वक्त का रोटी भोजन नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों के पास भी फल से लेकर खाने का पैकेट भी दिया गया। वैसे में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे कि कैसे किस तरह की तैयारियाँ हो रही हैं, किस तरह से लोगों के पास जा रहे हैं और क्या कुछ लग रहा है। ऐसे वक्त में जो सिवान जंक्शन के RPF इंस्पेक्टर, उनसे भी हम बात करेंगे कि लगातार आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और वैसे में एक अलग काम करने का भी मौका मिला है, लोगों गरीब लोगों का भूख मिटाने का भी काम मिला है, कैसा लग रहा है अभी? देखिए, विषम स्थितियों में जिस तरह से कार्य यहाँ वैष्णो देवी दर्शन समिति और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के द्वारा की जा रही है, वो बिल्कुल ही अभूतपूर्व कार्य है। लहरों ने ठानी है कश्ती डूबने की, लेकिन दिल में भरोसा है कि दरिया पार करना है। कोरोना की इस विषम स्थितियों में जैसी विभीषिका से देश ग्रसित है और जिस तरह से देश की स्थिति आज बन गई है, वैसे में समाज सेवियों की भूमिका बहुत ही अग्रणी रहती है। वैसे भी समर्पण भाव से जिस तरह से वैष्णो देवी समिति ये कार्य रोज कर रही है, ऐसा नहीं है कि किसी दिन वो अपने कार्यों से महरूम रही है। रोज दिन ज़रूरतमंद लोगों को वह खाना उपलब्ध करा रही है और आज की ऐसी स्थिति है कि जो ज़रूरत और गरीबमंद लोग हैं वो समय से अनुसार उसकी प्रतीक्षा करते हैं। वैसे में जितने भी यहाँ इनके सहयोगी कर्मी हैं और जो भी सदस्य लोग हैं, बहुत ही समर्पित भाव से ये कार्य कर रहे हैं और निसंदेह यह समाज के निर्माण के लिए और विषम स्थितियों में बहुत ही सराहनीय कार्य है। बिल्कुल, बहुत सही बात कहा कि जैसे देश की सेवा कर रहे हैं, साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी भी सेवा कर रहे हैं। वैसे में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, कैसे लोगों का बुकिंग किया जाए। 6 अप्रैल से हम लोगों ने इसको शुरू किया था और यह संकल्प लिया था कि जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा हम लोग सेवा देते रहेंगे। और तमाम साथी, जितने भी साथी हैं, बहुत संगठन के लोग हैं, चिकित्सक हैं, पत्रकार हैं, पुलिस बल है, सारे लोगों के सहयोग से नियमित रूप से वितरण किया जा रहा है और निर्बाध रूप से चल रहा है। भोजन में जहाँ तक पूड़ी सब्जी कभी देते हैं, कभी लिट्टी चोखा और कभी कोई ना कोई फल निश्चित रूप से देते हैं कि ताकि जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनमें कोई विटामिन की कमी ना हो, रोग से ग्रसित ना हो। किस तरह के लोगों का सहयोग मिल रहा है इसमें? सभी लोग सहयोग करते हैं, सभी लोग आते हैं, पत्रकार लोग आते हैं, चिकित्सक लोग भी आते हैं, सब लोग आते हैं, सब लोग बांटते हैं और मिलजुल के बनाते भी हैं और फिर बांटते भी हैं। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने कि जैसे लगातार जो पत्रकार हो या चिकित्सक हो या पुलिस, हर कोई इस समय इस हालात को देखकर हर तरह से अपने जितने जिसकी आवश्यकता हो तो उसके हिसाब से लोगों की मदद कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छी तस्वीर भी आपको दिखा दें कि जहां आप देखते होंगे कि इंसानों की भूख मिटाया जा रहा है, साथ ही साथ जो बेजुबान है, जो जानवर है जिनको अभी इस वक्त में कहीं से भोजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखा जाता है कि जब लोग खाने को फेंकते हैं तब ये बेजुबान जो जानवर हैं उस खाने को खाते हैं। वैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों के बीच में भी खाने का सामान दिया जा रहा है, लोग जो बेजुबान कुत्ते हैं वो यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी तस्वीर है और इससे आप साफ तौर पे जान सकते हैं कि जो इंसानियत है वो कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं कि जिंदा नहीं है, तो आप इस तस्वीर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिंदा है। और यहाँ पे हमने अभी पुलिस के जो जवान थे उनसे भी बात की, जो वरिष्ठ पत्रकार उनसे ही बात की। और आपको एक तस्वीर और बता दें कि जो यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता है उनसे भी हम जानेंगे। आप लगातार हर तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं और वैसे में आज भूख मिटाने का भी काम मिला है, कैसा लग रहा है? ये बहुत ही बड़ा काम है और आज की स्थिति में जहाँ हम लोग इस स्थिति में गुजर रहे हैं, आदमी को खाना मुयस्सर नहीं हो रहा है और आप देख रहे हैं कि जानवरों को भी ये हम लोग अपने जिस स्तर में हैं उनको खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। और यहीं पर नहीं, 8-10 जगह ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर इन लोगों को नियमित रूप से खाना दिया जा रहा है। बिल्कुल, मतलब हर तरह से हर लोग तैयार है। अभी हमने वरिष्ठ अधिवक्ता से भी बात कराई, अब वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करेंगे तो जो यहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक उनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरह से सेवा कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ा माना जाता है कि जो डॉक्टर है भगवान है, वैसे में आप लगातार क्लिनिक पे भी लोगों का सेवा कर रहे हैं, आज गरीब लोगों के बीच में पहुंचे जो ज़रूरतमंद लोग, कैसा लग रहा है अभी? अरे बहुत अच्छा लग रहा है जी, लग रहा है कि सचमुच इस समय में मानवता जिंदा हो गया है। हम तो यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं, हमको तो एज ए गेस्ट बुलाया गया था, मेरा यहाँ पे कोई ये नहीं है, लेकिन देख के लग रहा है यहाँ पे कि देखिए एक्चुअली हम लोग को भगवान ने बहुत कुछ दिया है जी, अगर देखा जाए तो हम लोगों को कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन देखते हैं कि जब एक आम आदमी अपनी कैपेसिटी जिसकी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ के लोगों की सेवा कर रहा है तो और भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि
श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, क्योंकि पत्रकारों की स्थिति सबको मालूम है कि उनके पास ऐसा नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने जो भी है कमाई है, जो उनकी सेविंग है, उससे अगर वो गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं, खास करके वो माँ वैष्णो देवी के संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग कोई बहुत पूंजीपति लोग हम लोग के जैसा बहुत बड़ा डॉक्टर लोग नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों के मन में एक जज्बा है। और यहाँ पे देखा ही इंसानों को नहीं, जानवरों को, बेजुबानों को भी इन लोगों ने जिस तरह से खाना खिला रहे हैं, इससे अंदर में एक करुणा आ जाता है, एक करुणा का भाव आता है कि समाज में अभी भी सच्चाई और अच्छाई जिंदा है, और इससे प्रेरणा मिलती है कि हम भी अच्छा काम करें, अच्छा बेहतर करें। और एक तस्वीर आपको और दिखाएंगे, लगातार आपको कई तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। अब दूसरी तरफ आप देख लें कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो समाजसेवी हैं, जो लोग लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों का यहाँ पे स्कैनिंग भी किया जा रहा है, ताकि जो कोरोना का जो कहर है हर तरफ है, वैसे ने कोई इससे पीड़ित ना हो जाए, इसको लेकर भी ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो आप लगातार देख रहे हैं कई तरह के, इसमें हम बात करेंगे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ एक अच्छे समाजसेवी भी हैं, और दूसरी तरफ बात करें तो लायंस क्लब के अध्यक्ष भी बने हैं। वैसे में हम अरविंद जी से बात करेंगे, किस तरह से सेवा कर रहे हैं लोगों को, क्या तैयारियां दिख रही हैं, क्या लग रहा है, जमीनी स्तर पे भी लगातार काम हो रहे हैं? जी निश्चित रूप से काम तो यही है जो हम लोग एक्चुअली समाज सेवा जो कहते हैं, समाज सेवा का मतलब यही होता है कि समाज का जो सबसे ज़रूरतमंद वर्ग है, वह व्यक्ति जिसे हमारे आपके मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस तक अगर हम मदद पहुंचाते हैं और वो मदद उसकी भूख मिटाने के रूप में हो, तो इससे बेहतर और काम समाज सेवा का कुछ नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से वैष्णो देवी सेवा समिति और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, कुछ समाजसेवी, प्रेस क्लब के लोग मिलकर जो इस तरह से लोगों की एक भूख मिटाने निकले हैं, ज़रूरतमंदों की भूख मिटाने निकले हैं, और 22-23 दिनों से लगातार ये इस तरह से काम यहाँ हो रहा है, तो ये एक पूरी दुनिया को एक संदेश है। एक सिवान का नागरिक होने के नाते, एक बिहार का नागरिक होने के नाते, भारत का एक नागरिक होने के नाते, ये हम लोगों के लिए बेहद गर्व और खुशी की बात है कि हम इतना सक्षम हैं कि हम दूसरे की भूख मिटा पा रहे हैं। और लॉकडाउन की जो स्थिति है, जब सभी रोजगार बंद हो गए हैं, ठेले रिक्शे चलने बंद हो गए हैं, जो यहाँ तक कि अब लोगों को भीख मिलना, जो भिखारी हैं उनको भीख मिलना तक बंद हो गया है, ऐसे में भोजन एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए, और इंसान कम कपड़ों में रह सकता है, बिना कपड़ों के जी सकता है, बिना घर के जी सकता है, लेकिन बिना भोजन के जी नहीं सकता। ऐसे में भोजन करना जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी है, और जो व्यक्ति भोजन का इंतजाम करता है, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं ईश्वर ने जिस काम के लिए उसको धरती पर भेजा है, वो ईश्वर का काम कर रहा है। हर आदमी को ऐसे में पहल करनी चाहिए। बिल्कुल, आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो समाजसेवी हो, या पुलिस के जवान हो, या पत्रकार हो, या अधिवक्ता हो, मतलब हर वर्ग के लोग जो हैं वो लगातार जो भूखे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उस लोगों की सेवा में तत्पर हैं। लेकिन आपसे एक सबसे बड़ा अपील है कि आप जो लोग भी हैं घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और प्रशासन का सहयोग करें। एडमिशन ओपन हो चुके हैं प्री टेन किड्स स्कूल में, क्लास प्ले ग्रुप से प्री सीनियर तक के बच्चों के लिए। जी हाँ, एक अनोखा और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट में आपके बच्चों को हमारे क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा खेल खेल में दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। सीसीटीवी युक्त सर्वेलेंस, डिजिटल क्लासेस, रैपिड अटेंडेंस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, बच्चों के आने जाने के लिए वैन फैसिलिटी, और अपनी ऐसी कई विशेषताओं के साथ प्री टीन किड स्कूल है सबसे सुरक्षित। बस मुझे शिवान के लोगों से गुजारिश है कि हमें एक मौका दे, ताकि प्री टीन किड स्कूल अपने आप को प्रूव कर सके कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग स्कूल इन सिवान। आज ही एडमिशन कराइए प्री टेन किड्स स्कूल में। हमारा पता है प्रतिभा मेमोरियल हॉस्पिटल, नियर ललित बस स्टैंड, खुरमाबाद, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे मोबाइल नंबर पर 6299582498। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सेलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 एंड 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।